दोस्तों, अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करके परेशान हो गए हैं तो टेंशन मत लीजिए, अब फ्यूचर एंड ऑप्शंस को बाय बाय करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि अब हम लोगों को शिफ्ट होना है स्विंग ट्रेडिंग के तरफ। अब देखो, स्विंग ट्रेडिंग के कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है, ये चीज पहले आप समझ लीजिए। स्विंग ट्रेडिंग का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आपको यहाँ पे सिर्फ 5% जो है लॉस का चांसेस रहेगा, ठीक है, और प्रॉफिट जो है वो 95%, ठीक है। तो ये हमारे लिए ऑप्शंस से बेटर है। उसके बाद यहाँ पे देखो क्या है कि जब भी आप स्विंग ट्रेडिंग करेंगे तो आपका जो साइकोलॉजी होगा, जो आपका कॉन्फिडेंस होगा, वो आपका पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। जितना जल्दी पैनिक आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में हो जाते हैं, उतना पैनिक आप इसमें नहीं होंगे, आप अपने काम पे पूर्ण तरह से फोकस करेंगे। अब दोस्तों देखो, इसके कुछ नेगेटिव्स हैं। अब नेगेटिव्स क्या है कि इसमें आपको फंड आपको ज्यादा देना पड़ेगा कंपेयर टू फ्यूचर एंड ऑप्शन। फ्यूचर में तो फिर भी बराबर लगेगा, ऑप्शंस के कंपेयर में आपको फंड्स ज्यादा लगेगा स्विंग ट्रेडिंग में, स्टॉक के स्विंग ट्रेडिंग में। दूसरा है कि इसमें आपको प्रॉफिट जो होगा, जैसे कि हम लोग क्या करते थे ऑप्शंस में 1,000, 2,000, 5,000 इस तरह से दिमाग में लेकर चलते थे, यहां पर आपको मंथली बेसिस पे 10%, 15% अगर मिल गया तो बहुत बड़ी रिटर्न आपको मानना पड़ेगा। यानी अगर आपका फंड 50,000 है और 50,000 का मंथ में आप 10% इंक्रीज कर रहे हैं, 15% इंक्रीज कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो स्विंग ट्रेडिंग करके आप मंथ का 10,000 से आप 50,000 तक कमा सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके पास फंड कितना है। अब दोस्तों देखो, स्विंग ट्रेडिंग कैसे करना है, इस पर कैसे हम टूल्स का यूज करके परफेक्ट सेटअप तैयार करके हम अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं किसी भी स्टॉक्स में, तो अभी आप लोगों के स्क्रीन पर हमारा पोर्टफोलियो दिख रहा होगा, 16 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है। अभी मैं आप लोगों को रैंडम किसी भी स्टॉक्स में अभी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप स्विंग ट्रेडिंग समझो। देखो, स्विंग ट्रेडिंग में अगर मैं कुछ किसी भी शेयर्स को बाय करूंगा या आप करोगे, तो हम उसको कैश यानी कि डिलीवरी में बाय करेंगे। डिलीवरी का मतलब क्या कि हमें पूरा पैसा देना है। जैसे जीएमआर इंफ्रा 92 चल रहा है तो हमें 92 रुपीज का एक शेयर मिलेगा। अगर हमें 100 लेना है तो यहाँ पे 9200 रुपीज हमें को पे करना होगा। अभी चलो मैं आपको यहाँ पे ना मान लेते हैं कि हमारा जीएमआर इंफ्रा शेयर है, इसके चार्ट पे आ जाते हैं। अब चार्ट पे आने के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये देखो हमारा चार्ट है, चार्ट देखोगे तो वन डे का चार्ट है। अब देखो एक चीज और कंफ्यूजन में दूर कर देता हूं, स्विंग ट्रेडिंग हम जब भी करेंगे, किसी भी स्टॉक्स को फाइंड कर रहे हैं अपने ये दोनों टूल्स लगा के, तो हम वन डे के टाइम फ्रेम के साथ ही देखेंगे, 15 मिनट, 1 घंटा, 5 मिनट, ये सब टाइम फ्रेम को हम बाय बाय कर देंगे। सिर्फ वन डे के टाइम फ्रेम से हम स्विंग ट्रेडिंग के किसी भी स्टॉक्स को फाइंड करेंगे, ये कंफ्यूजन भी दूर हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और बता दो कि हम दो सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, यानी कि दो इंडिकेटर्स, ठीक है, इंडिकेटर्स। अब देखो दो इंडिकेटर्स क्यों यूज करूंगा, इसका आप लॉजिक समझो। पहला इंडिकेटर हमारा रहेगा प्राइस इंडिकेटर, प्राइस इंडिकेटर, प्राइस के मोमेंटम को इंडिकेट करने वाला हमारा प्राइस इंडिकेटर, किस प्राइस पे सपोर्ट है, किस प्राइस पे रेजिस्टेंस है, ये हमें वो सिग्नल देगा। दूसरा इंडिकेटर हमारा रहेगा साइकोलॉजी सेंटीमेंट दर्शाने वाला, साइकोलॉजी सेंटीमेंट दर्शाने वाला चार्ट का, इस स्टॉक का। तो दोनों इंडिकेटर्स की मदद से हम एक परफेक्ट एंट्री ले सकते हैं। यहां पर हमको एक फायदा होगा, ये दोनों यूज करेंगे तो हम फेक ब्रेकआउट से बच सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा ये जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, यहां पे हम किसी भी स्विंग ट्रेडिंग में किसी भी स्टॉक्स को सिर्फ बाय करने के लिए इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो पूरा वीडियो अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको एक एक पॉइंट के बारे में समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए ये सारा कंफ्यूजन दूर करते हैं। अब ये दोनों इंडिकेटर्स है कौन कौन, आप लोग भी नाम जानते हैं, और बहुत ही पॉपुलर और यूजफुल इंडिकेटर्स है जो कि बिल्कुल फ्री है। तो ये हमारा वन डे का टाइम फ्रेम के साथ जीएमआर इंफ्रा का चार्ट आपके सामने अवेलेबल है। स्टॉक्स में कैसे फाइंड करेंगे आगे बताऊंगा, आप बने रहिए अभी, ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग पार्ट आने वाला भी है। अब यहाँ पे देखोगे कि हमारा जो चार्ट है ना, इसके ऊपर इंडिकेटर्स का सेशन है, इंडिकेटर्स का बटन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, आपको एक साइकोलॉजी इंडिकेटर है, आपको साइकोलॉजी देता है, सेंटिमेंट बताता है, डेप्थ बताता है, हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर इसको मैं फिर से काट दूंगा हूं, और दूसरा है मेरा प्राइस इंडिकेटर, जिसको हम लोग मूविंग एवरेज से नाम से जानते हैं, MA, मूविंग एवरेज। अब यहाँ पे ध्यान से कुछ मैं यहाँ पे चेंज करूंगा, ये चीज आपको थोड़ा ध्यान से देखना है, ठीक है। अब नीचे में हमारा लग गया है
सेंटिमेंट इंडिकेटर, RSI, और यहाँ पे आप देखोगे चार्ट के ऊपर एक लाइन ब्लू कलर का जो चल गया है, ये है आपका प्राइस इंडिकेटर मूविंग एवरेज। अभी देखो मूविंग एवरेज में पहले थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं, जरा आप ध्यान से समझ लीजिएगा ताकि आपको आगे चल के कोई दिक्कत नहीं हो। इसके सेटिंग में जाएंगे, देखो इनपुट जो भी है हमको सेम रखना है जो कि डिफॉल्ट सेटअप है। हम स्टाइल में आएंगे, यहाँ प्लॉट वाले को क्या करेंगे थोड़ा सा मोटा लाइन कर देंगे और इसको हम लोग ब्लू जो है ब्लू ही रहने देंगे, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे इसको यहां से हटा देंगे। अब हमने जो मोटा किया तो आपको थोड़ा सा अच्छे से दिखने लगा है इस चार्ट के ऊपर, ठीक है। अब देखो यहां पे हमको क्या करना है, आना है RSI के सेटिंग में। RSI का इनपुट आपको सेम रहने देना है, स्टाइल वाला में आना है। यहां पे आपको देखो तीन लाइन मिलेगा जिसमें आपको अपर लिमिट है, मिडिल लिमिट है, लोअर लिमिट है। कौन सा है आप देखोगे ध्यान से, तो यहां पे देखो आप ये वाला जो है अपर लिमिट है, ये वाला जो है आपका मिडिल लिमिट है, और ये वाला जो है आपका लोअर लिमिट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको कुछ चेंजिंग करना है RSI के सेटिंग में जाके, स्टाइल में जाके। प्लॉट को जो है हम क्या करेंगे थोड़ा मोटा कर देंगे और इसको येलो कलर से हम येलो कलर कर देंगे, ठीक है। अभी देखो प्लॉट को हमने येलो कलर कर दिया, अपर लिमिट को रहने देंगे, लोअर लिमिट मिडिल लिमिट और लोअर लिमिट के टिक को हटा देंगे, बिल्कुल साफ कर देंगे, यानी सिर्फ अपर लिमिट को रहने देना है इस फॉर्मूला में। अब देखो कि अपर लिमिट में हमारा जो कलर है इसको हम रेड कर देते हैं और यहाँ पे हमारा जो है थोड़ा मोटा कर देते हैं ताकि अच्छे से दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि डॉट डॉट है तो इसको हम लाइन में कर देते हैं ताकि हमको क्लियर विजिबिलिटी रहेगी चार्ट के ऊपर। अब अपर लिमिट में आपको यहाँ पे 70 दिख रहा होगा, 70, हमको इसको 60 कर देना है। अब हमारा यहाँ पे हमारा सेटिंग बन के तैयार हो गया। एक सेटिंग थोड़ा सा और रह गया है, जो हमारा बैकग्राउंड है ना इसका RSI का, इसको हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं ताकि हमें अच्छे से विजिबिलिटी आ जाए। देखो अब हमारा यहाँ पे डार्क हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, आपको GMR इंफ्रा पे दो सॉफ्टवेयर लगा हुआ है। एक लगा हुआ है आपका प्राइस इंडिकेटर मूविंग एवरेज, दूसरा है हमारा साइकोलॉजी इंडिकेटर RSI। अब देखो ये हमारा यहाँ पे फॉर्मूला में किस तरह से काम करेगा। पहला हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि ये जो हमारा मूविंग एवरेज है, ठीक है, वन डे का टाइम फ्रेम के साथ, और ये हमारा जो लाइन है हमने क्या रखा है 60 का ऊपर में लिमिट। अब जैसे ही ये हमारा RSI 60 के ऊपर निकला, ठीक है, निकलेगा, और ये जो प्राइस है हमारा ये प्राइस हमें मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट देता हुआ मिले, यानी कि मूविंग एवरेज नीचे रहे, मूविंग एवरेज नीचे और ऊपर एक ग्रीन कैंडल बने, ठीक है, मूविंग एवरेज नीचे ऊपर एक ग्रीन कैंडल बना और ये RSI 60 के ऊपर निकल रहा है, तो यहां पर हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखते हैं। ये इस फॉर्मूला का सिंपल तरीका है। अगर RSI ऊपर निकल गया है लेकिन प्राइस जो है ये अभी सपोर्ट के ऊपर नहीं आया है तो हम यहां पे बाय नहीं करेंगे। जैसे कि इस चार्ट में आप देख सकते हैं प्राइस अभी मूविंग एवरेज के नीचे है और RSI भी हमारा 43 के आसपास है, यानी कि यहां पर हमें कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी एज ए स्विंग ट्रेडर नहीं मिल रहा है। अब चलिए मैं आपको ये बताता हूं कि कैसे हम लोग स्टॉक्स को फाइंड करेंगे इंट्राडे में अपने स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो हम इसके लिए अपने बहुत सारे वॉचलिस्ट को बनाकर रखा है, आप भी बना सकते हैं। कैसे बनाना है तो मैं चलता हूं अपने Angel1 के डीमेट अकाउंट में, ठीक है। Angel1 का डीमेट अकाउंट मेरा ये आ चुका है आपके सामने, यहाँ पे देखो नीचे वॉच लिस्ट है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास ढेर सारा है, बेमिसाल स्टॉक्स, एवरग्रीन स्टॉक्स, माई इन्वेस्टमेंट, डेली वॉच, डिविडेंड स्टॉक, इंट्राडे स्टॉक्स, इतने सारे हमने क्या किया है ये वॉच लिस्ट में शेयर्स को एड करके रखा है। आप भी चाहें तो अपने इस तरह से 5-6 जो है वॉच लिस्ट बनाए और उसमें अपने मनपसंद स्टॉक्स को जो है आप एड करें। आप चाहें तो इस वीडियो को रोक कर इस स्टॉक्स को भी आप चाहकर अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। इतने सारे स्टॉक्स को मैं ऐड करके रखा हूं ताकि मुझे ना लाइव मार्केट में टेंशन नहीं होता है, मैं अपना लगा के सॉफ्टवेयर और चेक करते रहता हूं। ये देखो इतने सारे स्टॉक्स है, ठीक है। अब मैं किसी एक स्टॉक, जैसे मान लो मेरा इंट्राडे स्टॉक्स ये है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मेरा अदानी पोर्ट्स है, जिस अदानी पोर्ट पर मैंने क्लिक किया, इसके चार्ट पर मैं आता हूं। अब इसके चार्ट पर देखोगे तो मेरा ये मूविंग एवरेज पहले से लगा हुआ है, ठीक है। मैं मूविंग एवरेज को थोड़ा सा यहाँ पे क्या करता हूँ स्टाइल में जाके थोड़ा सा इसको मोटा बना देता हूँ ताकि अच्छे से दिख रहा है, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या करना है मुझे RSI भी एक लगाना है, तो RSI यहाँ पे देखो वीकली चार्ट है, मैं इसको फिर वन डे चार्ट पे ला देता हूँ। अब देखो ये वन डे के चार्ट पे आ चुका है, अब मैं यहाँ पे एक RSI भी लगा देता हूँ, RSI भी लग गया मेरा। बहुत आसान तरीका है भाई, बस आप थोड़ा सा ध्यान से काम करोगे ना तो मजा आ जाएगा। देखो इसको मैं येलो कर देता हूँ, यहाँ पे आता हूँ अपर लिमिट रहने देता हूँ, मिडिल लिमिट लोअर लिमिट हटा देता हूँ, यहाँ पे 60 कर देता हूँ, इसका कलर देता हूँ कर अपर लिमिट का रेड, इसको डॉट लाइन से हटा के ये लाइन इसको देता हूँ थोड़ा मोटा कर, ठीक है, बैकग्राउंड देता हूँ थोड़ा सा डार्क कर। अब ये सारा सेटअप हो गया, अब देखो हमारे पास थोड़ा सा मैं इसको भी मोटा कर देता हूँ, ये हमारा लाइन जो है ओके। अब आराम से हम क्या करेंगे, इस शेयर्स को मैंने यहाँ पे देखा, अब इसमें मुझे कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, RSI भी 44 पे है, मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस ट्रेड कर रहा है। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, अदानी एंटरप्राइजेज में जाकर सिर्फ चार्ट में जाएंगे, हमारा ये सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, यहाँ पे मेरा वही हाल है, यहाँ पे भी मुझे नहीं बाय मिल रहा है, इंडसइंड बैंक है उसके चार्ट में जाकर चेक कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो हमारा एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है, कैसे, अब देखोगे तो यहाँ पे हमारा अभी निकला नहीं है लेकिन प्राइस यहाँ पे हमें निकल चुका है, तो जब तक हम 60 के ऊपर RSI नहीं निकलता है तब तक हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे, और ये एंट्री यहाँ पे जब हाई को ऊपर ब्रेक करेगा तभी हमें RSI निकलेगा। तो इस तरह से आप वॉच लिस्ट में हजारों शेयर या सैकड़ों शेयर जो भी है आप लगा के एक बार आपको सॉफ्टवेयर टूल्स पे लगाना है। अब यहाँ पे भी देखो JSW में भी हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है प्राइस JSW स्टील का, और यहाँ पे भी 56 के ऊपर है, तो हमें वेट करना है, ये भी इंडिकेशन देगा और यहाँ तो ऑलरेडी इंडिकेशंस दे चुका है तो यहाँ पे एंट्री बनेगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, अगर आपने यहाँ तक देखा है तो उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा होगा लाइव मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग के लिए कैसे स्टॉक्स को फाइंड करेंगे। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, कमेंट बॉक्स में लिंक पिन है और डिस्क्रिप्शन में भी है, आप चाहे तो हमारे साथ लाइव मार्केट लर्निंग क्लास में जुड़ सकते हैं, अपस्टॉक या सैमको में अपना एक फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करके हमें मैसेज कर सकते हैं 8809075719 पर। वीडियो में दीजिए इजाजत, आगे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के ज्ञानवर्धक टॉपिक को लेकर। थैंक यू, जय हिंद।